नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कम्यूटेशन प्रोसेस के बारे में। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वीडियो में, वो सिर्फ इसमें ये बताया गया था कि व्हाट इज कम्यूटेटर एंड हाउ डज इट वर्क्स, कि ये कम्यूटेटर जो होता है हमारा, उसमें जो अंदर हमारे आर्मेचर में करंट पैदा होता है डीसी जनरेटर के, वो एसी करंट पैदा होता है। तो कम्यूटेटर ही है जो उसको एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके हमें ब्रशेस पे देता है। तो आज हम बात करें कि गुड कम्यूटेशन क्या होती है, बैड कम्यूटेशन क्या होती है, इसको इम्प्रूव करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये आपका यहाँ से लेके ये जो आपका है, ये आपका है कम्यूटेटर, ये वाला आपका कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं, ये ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट। ये आपका ये जो आप लाइन्स हैं, ये है हमारा माइका। तो ये जो खाली छोड़ी गई है, ये डब्बी है, ये ना पूरा बॉक्स है, ये हमारा कॉपर का बना हुआ है। तो हमें पता है कि कम्यूटेटर पे जो हमारे कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स होते हैं, उनमें क्या आके लगती है, हमारी कॉयल्स आके लगती हैं। ये जो हमारी कॉयल है ना, ये वाली पूरी की कॉयल, कॉयल ए कॉयल, बी कॉयल और सी कॉयल, ये जो कॉयल्स हैं, ये हमारी आर्मेचर के जो स्लॉट्स हैं उसमें रखी हुई हैं। तो ये जब आर्मेचर में रखी हुई जो कॉयल्स हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगी, तो इनमें एक सप्लाई पैदा होगी। तो वो सप्लाई जो होगी आपकी, इनमें जो पैदा होगी वो एसी होगी, यहाँ पे आके वो डीसी बन जाएगी। कैसे बनेगी ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है पहले। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे घूम क्या रहा है, पहले देखो ये जो ग्रीन कलर में बनाया है हमने, ये ब्रश है। देखो ये वाला पूरे का पूरा जो सेगमेंट है ना, वो इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड, क्योंकि अगली डायग्राम में यहाँ पे देखो ये वाला, देखो अगर ये साइड मूव करेगा, पहले देखो पूरे का पूरा ब्रश बी पे था, अब ये थोड़ा सा जब ये आगे खिसकेगा तो ये ब्रश की जो पोजीशन है वो ए पे भी आएगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये नीचे जो हमारी डायग्राम है तो वहां पे आ गई, दोनों में आ गई, आधी आधी आ गया, तो ये आगे और शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो इसको समझना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करंट हमारा ट्रांसफर होता है बाहर, ये वाला हमारे सर्किट में बाहर करंट कैसे आता है। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस कॉयल्स, ये जो हमारी कॉयल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ टर्न्स और इसकी जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो इस तरीके से रखा गया है कि एक कॉयल मिलके मान लीजिए 10 एम्पीयर करंट फ्लो करती है। एक कॉयल द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो हमारा 10 एम्पीयर है। तो हर कॉयल जो है हमारी 10 एम्पीयर करंट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। कैसे करेगी, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई पोल रखा होगा, मान लीजिए ये पोल है, जैसे ये इस पोल में, नॉर्थ पोल में, जैसे ये पोल है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में ये जो पूरे का पूरा जब ये रोटेट करेगा इस तरीके से, तो इसमें करंट पैदा होगा, ठीक है। तो ये देखो यहां से देखिए कि एक ये जो सी कॉयल है, सी में जो करंट पैदा हुआ वो 10 एम्पीयर पैदा हुआ। अब ये करंट किस साइड जाएगा, देखो ये आगे यहाँ पे ये इसका जो ये वाला टर्मिनल है, यहाँ पे आके वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये सी वाला जो हमारा सेगमेंट है, ये तो कहीं पे कनेक्ट नहीं है ना, पे तो ये कनेक्ट नहीं है ना, बी पे कनेक्ट है। तो जितना भी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी करंट की फ्लो क्या किस साइड होगा, इस साइड होगा हमारा। तो इस यहां से इस साइड जाएगा, और इस बी कॉइल में जो करंट पैदा होगा वो इस साइड जाएगा। तो 10 एम्पीयर इस साइड, 10 एम्पीयर इस साइड, जहां पे टोटल मिलके हमारा यहाँ पे जो करंट है वो हमारा 20 एम्पीयर आ गया। तो 20 एम्पीयर करंट हमारा बी सेगमेंट में एंटर किया, उसके बाद इसके ऊपर रखा हुआ एक ब्रश है, तो ब्रश ने कलेक्ट कर लिया, ये आ गया हमारा 20 एम्पीयर करंट। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद जब थोड़ा सा ये आगे घूम जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो हमारी पोजीशन आ जाएगी ये, यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा। अब ये वाला जो पार्ट है, देखिए बी यहां पे पूरे का पूरा बी पे था, अब ब्रश का ज्यादा हिस्सा बी पे है पर थोड़ा सा हिस्सा हमारा ए पे है। तो ये जो करंट ए कॉइल में पैदा हो रहा है, ए कॉइल में जो करंट पैदा हो रहा है इसमें, ठीक है, और यहां पे जो करंट पैदा हो रहा है सी कॉइल में पैदा हो रहा है। तो ए कॉइल में पैदा होने वाला जो 10 एम्पीयर करंट है, वो थोड़ा सा करंट तो इस साइड चला जाएगा इस पाथ में, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है वो जो हमारी ज्यादा है, क्योंकि एरिया कम है यहां पे, ये वाला एरिया कम है, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए 10 एम्पीयर का कुछ पार्ट तो यहां पे चला जाएगा और बाकी पार्ट इस वाइंडिंग में से होता हुआ यहां से जाएगा, क्योंकि इस साइड जो रेजिस्टेंस है वो हमारी कम है, क्योंकि यहां पे एरिया ऑफ टच जो हो रहा है आपका, ब्रश टच हो रहा है हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट से, वो ज्यादा हो रहा है। तो हमारा 10 एम्पीयर में से 5 एम्पीयर करंट इस साइड आया और 5 एम्पीयर करंट हमारा इस साइड आया, यहां से तो 10 एम्पीयर आ ही रहा था। तो ये हमारा यहां से इस साइड जो 10 और ये वाला करंट 5, ये टोटल 15 एम्पीयर इस साइड आया, यहां यहां से एक सेगमेंट पे हमारा 5 एम्पीयर आया, तो टोटल करंट हमारा हो गया यहां पे 20 एम्पीयर। अभी तक हमने दो पोजीशंस पढ़ी, दोनों में हमारा जो करंट आया वो 20 एम्पीयर आया। अभी तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये वाला देखिए, ये यहां पे जो ये जो ब्रश था वो अब कम्यूटेटर सेगमेंट आगे चला गया, थोड़ा सा इस साइड और खिसक गया, तो हमारा जो ब्रश होगा वो इस साइड आएगा ना, इस साइड आएगा, मींस ये बिल्कुल अब यहां पे बी को भी उतना ही टच कर रहा है हमारा और ए को भी उतना ही टच कर रहा है हमारा। तो जो दोनों तरफ से जो रेजिस्टेंस मिलेगी इसे, वो सेम मिलेगी। तो यहां पे पैदा होने वाला 10 एम्पीयर करंट, सी में पैदा होने वाला 10 एम्पीयर करंट है जो, वो यहां से आएगा 10 एम्पीयर,
और ए में पैदा होने वाला, ए कॉइल में पैदा होने वाला करंट है वो इस साइड आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल करंट अभी भी यहाँ पे कितना आ गया, 20 एम्पीयर। तो ये वाली कॉइल है, ये शॉर्ट सर्किट कॉइल है, ये शॉर्ट सर्किट हुई है दोनों साइड से। तो इसमें जो करंट पैदा होगा वो कोई नहीं होगा, इसमें करंट रिवर्स हो रहा है एक्चुअली। ये शॉर्ट सर्किट कॉइल है बी कॉइल साइड, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। आगे नेक्स्ट देखिए, अभी आगे देखिए, अब ये वाला जब आगे चला जाएगा हमारा सेगमेंट, तो बी जो सेगमेंट है, बी वाला सेगमेंट, वहां पे टच कम हो रहा है हमारा ब्रश, और ए सेगमेंट पे जो टचिंग है उसका एरिया ज्यादा है। तो इट मींस इस पाथ में ये जो वाला, ये वाला पाथ है ए वाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो सी कॉइल में पैदा होने वाला 10 एम्पीयर करंट, कुछ करंट तो इस साइड से जाएगा, सारा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अभी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 एम्पीयर करंट, और यहां से हमारा इस साइड से 5 एम्पीयर करंट, यहां से 10 एम्पीयर आया, 5 एम्पीयर नीचे को चला गया ये डायरेक्ट, और 5 एम्पीयर इस कॉइल से होता हुआ हमारा 10 इस साइड से होता है, यहां पे हमारा 15 एम्पीयर करंट आया, 20 एम्पीयर करंट हमारा यहां पे आ गया। मींस इस पोजीशन पे भी हमारा 20 एम्पीयर करंट है। अब देखिए ये जब और आगे बढ़ेगा, तो ये जो ये हमारा ब्रश है वो बिल्कुल ए ए ए पे आ जाएगा। ये देखो यहां पे इस कॉइल में जो करंट है हमारा, इस कॉइल में करंट, अगर सपोज करो यहां पे 10 एम्पीयर करंट ये सी कॉइल पैदा कर रही है, तो सी में पैदा होने वाला सारे का सारा करंट इस साइड जाना चाहिए था, बी में से होता हुआ यहां से जाना चाहिए था। पर देखिए ये जो पाथ है, क्योंकि यहां पे सेगमेंट में ये जो बी सेगमेंट है हमारी, कॉपर सेगमेंट जो बी है हमारी कम्यूटेटर की, यहां पे ये करंट आ तो रहा है ना, पर यहां पे थोड़ा सा इंसुलेशन होने के कारण, एयर में होने के कारण फ्लो नहीं हो रहा। बट क्या होता है कि जब हमारा यहां से करंट को, कुछ करंट जो हमारा होता है यहां से, देखो ऊपर से जाना इसको मुश्किल लग रहा है, ज्यादातर करंट तो इसी साइड से जाएगा, पर कुछ करंट हमारा बी से यहां तक इस ब्रश तक जंप कर जाएगा हमारा। तो ये जंपिंग जो करंट है, जो वो कहां से हो रही है, ये हवा में से हो रही है। ये ही इसको लग रहा है, कुछ करंट को लग रहा है कि यहां से जाना आसान है एज कंपेयर टू ऊपर से जाने की। मतलब ये जो पाथ है ना, ये हमारा हवा में जो पाथ है वो कम रेजिस्टेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है कम रेजिस्टेंस? क्योंकि यहां पे कोई ना कोई वोल्टेज इंड्यूस हुई है बी पे, और ब्रश में भी कोई ना कोई वोल्टेज है। ये दोनों वोल्टेज के कारण यहां पे जितना भी ये हमारा जो हवा है हमारी, ये आयनाइज्ड हो जाएगी। तो आयनाइज्ड होने के कारण क्या होगा, हमारा यहां पे करंट जंप कर जाएगा। इस जंपिंग के कारण जो हमारी होती है स्पार्किंग होती है। तो अगर हमारी स्पार्किंग हो रही है किसी ब्रश पे, तो उसको हम कहते हैं कि बैड कम्यूटेशन, ठीक है। इसको बैड कम्यूटेशन कहा जाता है। हमें क्या करना है, हर हालत में इस स्पार्किंग जो, ये जो वाली जो स्पार्किंग हो रही है, इसे हमें अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने के लिए क्या हो सकता है, अगर सपोज करो इसमें ये जो रेजिस्टेंस है आपकी, ये जो आपका ब्रश है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो ये करंट यहां से आना इसको मुश्किल हो जाएगा ना। इसको ये वाला जो 2 एम्पीयर करंट इस साइड जा रहा है, इसको यहीं से 10 एम्पीयर ऊपर से घूम के ही जाना पड़ेगा। तो ब्रश की रेजिस्टेंस इंक्रीज करके भी हम इसको रोक सकते हैं। बाकी एक दो और भी हैं। तो अगर ये यहाँ पे कोई आर्किंग हो रही है हमारी, तो आर्किंग के केस में यहाँ पे कोई ना कोई इस ब्रश में और इस कम्यूटेटर सेगमेंट में यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज होगी, जिसके कारण यहाँ पे आयोनाइजेशन हुई होगी। तो इस यहाँ पे जो हमारी आयोनाइजेशन है, इसके कारण जो वोल्टेज पैदा होती है इस हवा में, उस वोल्टेज का नाम होता है हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज। कि अगर यहाँ पे कोई ना कोई फ्लक्स पैदा हुई होगी ना किसी से, तो फ्लक्स के कारण हमारी यहाँ पे आर्किंग पैदा हुई है, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। इंडक्टेंस के कारण यहाँ पे रिएक्टेंस पैदा होती है, रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई आर्किंग ना पैदा होती, तो हमारी रिएक्टेंस वोल्टेज होती ना है यहाँ पे कोई स्पार्किंग होती। तो ये बात तो क्लियर होगी, है ना। तो देखो, अब देखो, तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, सबसे पहला मेथड है हमारा वो है बाय यूज ऑफ हाई रेजिस्टेंस ब्रशेज। अगर ब्रशेज की रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें, यहाँ पे देखिए, अगर ये जो ब्रश आपका लगा हुआ है, ये इसकी रेजिस्टेंस अगर हाई होती, तो क्या होता, हमारा करंट यहाँ से जंप ना करता। मान लीजिए, इसको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए किसी स्कूल की, 10th के स्कूल की, जो बच्चे के बच्चों का स्कूल आता है, उसकी दीवारें हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो जंप नहीं करेंगे बाहर, है ना। इट मीन्स वो ऊंची दीवारों का क्या मतलब है, हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दिया ना उन्होंने, कि ताकि इजीली से कोई बच्चा वहां पे जंप ना कर सके। तो वही है कि ये यहाँ पे ये जो दीवार है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होने के कारण यहाँ पे कोई भी करंट जंप नहीं करेगा, उसे इस साइड से जाना इजी लगेगा। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये कम लगेगी, ये वाली रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है जो हमारी, जो वो कम लगेगी रेजिस्टेंस। तो इस कारण ये जो सारा 10 एम्पीयर करंट होगा हमारा इसी साइड से आएगा, ये 2 एम्पीयर करंट आना बंद हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, वो है हमारा कार्बन, या हम ग्रेफाइट बोलते हैं, कार्बन या फिर ग्रेफाइट। तो हम कार्बन के ब्रशेज यूज करते हैं किसके लिए, हमारे हम कार्बन के ब्रशेज यूज करते हैं डीसी मशीन में।
कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये कम्यूटेशन को इम्प्रूव तो करता ही करता है, स्पार्किंग को कम करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है कि सेल्फ लुब्रिकेशन का काम भी करता है। ये लुब्रिकेशन का काम करता है। जब कार्बन हमारा वियर हो जाता है तो उसमें जो पाउडर निकलता है वो बड़ा ही स्मूथ होता है, वो तो वहाँ पे जो सरफेस होती है वो पूरी सरफेस पे लग जाता है कम्यूटेटर पे, और हमारे फर्दर रिड्यूस और फर्दर वियर एंड टियर ऑफ ब्रश को रिड्यूस करता है हमारा। ठीक है जी, पहला मेथड तो ये है। तो चलिए सेकंड मेथड देखते हैं बस, शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द ब्रश शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले तो समझिए कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं MNA। तो ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा है साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में अगर हम एक लाइन खींच दें, जहाँ पे उस लाइन पे ना तो नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस होगा ना ही हमारा साउथ पोल का इन्फ्लुएंस होगा। तो बिल्कुल सेंटर में अगर एक लाइन खींचें तो उसको हम बोलते हैं MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो इस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हमारे ब्रशेज रखे हुए हों तो वहाँ पे हमारा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लक्स नहीं होती। जो हमारी कॉयल हमारी कम्यूटेशन पे आ रही है, जो हमारी कॉयल है जो शॉर्ट सर्किट हो रही है, वहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए, रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो वो तब नहीं होगी अगर हमारा जो हमारे ब्रशेज हैं वो MNA पे रखे हुए होंगे। अब दिक्कत आती क्या है कि जब भी हमारा कोई भी बैड कम्यूटेशन होती है ना, कि जब वो हमारा जो हमने देखा था कि जंप कर जाता है, तो उस केस में बैड कम्यूटेशन के केस में ये जो हमारा MNA वो शिफ्ट कर जाता है, वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में नहीं रहता। तो वो अगर यहाँ पे था वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ये इस थीटे एंगल से ये वाला जो एंगल है ये वाला, तो इस थीटा एंगल से ये शिफ्ट कर जाएगा। अब ये मोटर और जनरेटर दोनों के केस में अलग अलग होता है। तो पहले तो देखना है जनरेटर के केस में। जनरेटर के केस में MNA हमेशा शिफ्ट करता है हमारा इन द सेम डायरेक्शन इन विच द जनरेटर रोटेट्स अहेड इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जिस डायरेक्शन में हमारा जनरेटर, अगर मान लीजिए जी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है हमारा आर्मेचर, तो जिस डायरेक्शन में हमारा आर्मेचर रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में हमारा MNA यहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे जो ब्रशेज हैं वो तो प्रायर कंडीशन में पड़े हुए हैं यहीं पे। अगर हम इसकी पोजीशन को इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर दें तो फिर हमारे ये MNA पे आ गए, तो हमारी जो स्पार्किंग है वो हमारी कम हो जाएगी। बट प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि अगर लोड ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो तब हमारी ये MNA और शिफ्ट हो सकता है, तब हमें MNA ये जो हमारे ब्रशेज हैं तब हमें उसके हिसाब से MNA के हिसाब से दोबारा फिर शिफ्ट करने पड़ेंगे। और लोड कम हो गया हमारा तो MNA हमारा दोबारा फिर हमारा इस साइड पर आ जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलती, हमें लोड के चेंज होने से बार बार हमारे जो MNA होता है, जो हमारे ब्रशेज होते हैं, वो MNA के हिसाब से हमें शिफ्ट करने पड़ते हैं। पर आपको याद रखना है कि जनरेटर के केस में हमारा MNA जो शिफ्ट होता है वो अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है। तो हमारे ब्रशेज को किस साइड पे हमें शिफ्ट करना पड़ता है, जिस साइड में हमारा MNA शिफ्ट हो रहा है। अब मोटर के केस में देखते हैं। मोटर के केस में हमेशा याद रखना है कि जिस साइड में हमारी रोटेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा MNA शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे MNA हमारा इस डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड टू द रोटेशन ऑफ मोटर। अगर हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है तो जो हमारा MNA शिफ्ट होता है हमारा वो बैकवर्ड होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है इस थीटे एंगल से। तो इट मीन जनरेटर के केस में हमें ब्रश शिफ्ट किस साइड के ऊपर करनी पड़ेगी, ब्रश शुड बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू द रोटेशन ऑफ मोटर, कि जिस डायरेक्शन में हमारी मोटर घूम रही है उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अगर हमने ये कर दिया तो हमारा जो है हमारा किसी हद तक हमारी जो कम्यूटेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है, वो स्पार्कलेस हो सकती है। तीसरा हमारा जो मेथड है वो है बाय द यूज ऑफ इंटरपोल्स, कि बाय यूज ऑफ इंटरपोल्स और कम्यूटेटिंग पोल्स बोलते हैं इनको, कि इंटरपोल की हेल्प से हम कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हमारा हो क्या रहा था कि ये जो हमारी फ्लक्स थी किसी एक डायरेक्शन में ये इकट्ठी हो रही थी, है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखो NS, ये है हमारे मेन पोल्स। तो मेन पोल्स के अदर देन मेन पोल हमारे कुछ जो साइज में छोटे होते हैं पोल्स, वो इंटरपोलर एक्सिस पे हम रखते हैं उनको, ये वाले। तो अगर हमारे चार मेन पोल हैं तो चार हम इंटरपोल्स रखेंगे। इंटरपोल्स क्या करेंगे, अगर हमारी जो फ्लक्स है वो किसी एक साइड में इकट्ठी होगी तो
तो इंटरपोल द्वारा पैदा की गई फ्लक्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और इसको दोबारा से जहाँ पे रोटेट, जहाँ पे इसको ये यहाँ से रिपेल करेगी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगी यहाँ पे इस पोल शू पे। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हमारी फ्लक्स होगी उतनी ही इम्प्रूवड हमारी कम्यूटेशन होगी। तो पहली बात तो ये है कि इसके पे जो बाइंडिंग की जाती है हमारी, जो इंटरपोलर एक्सिस, जो हमारे इंटरपोल्स पे बाइंडिंग की जाती है, तो इंटरपोल बाइंडिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर बाइंडिंग। ये आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है कि अगर हम लोड को इंक्रीज करें तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो जाए, अगर हम रिड्यूस करें तो हमारा रिड्यूस हो जाए। तो हमारी हर वक्त यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको कॉन्स्टेंट बना के रखेगा। तो इंटरपोल की हेल्प से हम हमारी कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इंटरपोल्स को हम कम्यूटेटिंग पोल्स भी बोलते हैं। तो जनरल तो हमारे इसमें जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो यही पूछता है कि इसकी जो साइज़ होता है वो क्या होता है। पहली बात तो जो साइज़ होता है मेन पोल से कम होता है, और दूसरी बात जो यहाँ पे वाइंडिंग की होती है जिसको कम्यूटेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं वो इसके सीरीज़ में रखी जाती है, इसके सीरीज़ में रखी जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से ये सीरीज़ में आती है, ये सारी सीरीज़ में आती है। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी पोलैरिटी क्या होती है। देखिए, तो मान लीजिए ये हमारा जनरेटर है, तो जनरेटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमारे जो पोल्स होंगे ना, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है मेन, तो उसके डायरेक्शन में उसके हेड में ऑपोजिट पोलैरिटी का पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। ये हमारा मेन साउथ पोल है, सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट पोलैरिटी नॉर्थ पोल होगा। इसी तरीके से ये नॉर्थ पोल है, इस डायरेक्शन में हमारा जनरेटर घूम रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल होगा। ये अगर हमारा नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा, ये हमारा मेन साउथ है यहाँ पे नॉर्थ होगा। तो ये हमारी पोलैरिटी होती है इन केस ऑफ जनरेटर। ठीक है जी, अगर हमारे मोटर में ये पूछा जाए तो ये देखिए, ये हमारी मान लीजिए ये हमारी मोटर है, तो ये है हमारा मेन पोल मोटर का। अगर मोटर हमारी इस साइड घूम रही है तो उसके हेड में सेम पोलैरिटी का पोल होगा नॉर्थ पोल, उसके हेड में जिस साइड हमारी घूम रही है। और ये हमारा साउथ पोल है, साउथ पोल के आगे इस साइड अगर घूम रही है तो ये हमारा होगा साउथ पोल। तो मोटर के केस में हमारा क्या होता है कि नॉर्थ के बाद नॉर्थ आता है, साउथ के बाद साउथ आता है, पर जनरेटर में नॉर्थ के बाद इंटरपोल की जो पोलैरिटी होगी वो साउथ होगी, और मेन पोल अगर साउथ है तो इंटरपोल की जो पोलैरिटी होगी वो हमारी नॉर्थ होगी। तो एंड में इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं बाय यूज ऑफ हाई रेजिस्टेंस ब्रशेज, तो इसके लिए कार्बन और ग्रेफाइट यूज करते हैं। दूसरा हमारा मेथड है बाय यूज द शिफ्टिंग ऑफ ब्रशेज, शिफ्ट ऑफ ब्रशेज जनरेटर के केस में सेम इन द सेम डायरेक्शन इन विच द जनरेटर इज रोटेट, एंड मोटर के केस में हमारा जो ब्रश शिफ्ट करते हैं हम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन विच द मोटर इज रोटेट्स। पर ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है क्योंकि लोड के इंक्रीज और डिक्रीज होने से ये हमारी ब्रश शिफ्ट की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहेगी। और लास्ट हमारा जो मेथड है वह यूज़ ऑफ इंटरपोल्स, इंटरपोल होते हैं जो इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, इसके द्वारा पैदा जनरेटर के केस में जो पोलैरिटी होती है नॉर्थ पोल के आगे जो पोलैरिटी होगी वो ऑपोजिट पोलैरिटी होगी, इंटरपोल की जो पोलैरिटी होगी वो ऑपोजिट होगी। और मोटर के केस में हमें याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में हमारी मोटर घूम रही है सेम पोलैरिटी के पोल होंगे हमारे, इंटरपोल जो होंगे। तो ये हमारे तीन मेथड थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। ठीक है जी।